If tangents are drawn from origin to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 is equal to 0, then what will be the slope of the tangent? So, first of all, write the equation of circle. The given equation is x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 is equals to 0. तो अगर इस इक्वेशन को अपन रीअरेंज करके लिखे तो ये हो जाएगा x minus 1 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो ये सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर लिया है, जिससे अपने को पता चल रहा है कि सर्किल की सेंटर 1, 2 एंड रेडियस इज 1 यूनिट. So the center of the circle is at 1, 2 and radius is 1 unit. अब अपन अगर tangent की equation slope form में इस circle के लिए लिखे तो वो हो जाएगी y minus 2 is equals to m into x minus 1 plus minus under root 1 plus m square. ये general equation of tangent in the slope form for the circle. और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब 0, 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो अगर हम 0, 0 इस इक्वेशन में रखें तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू m इनटू 0 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर. और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये फाइनली सॉल्व होकर आ जाएगा m माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस m स्क्वायर अंडर रूट. इसको फर्दर सॉल्व करें अपन स्क्वायर कर दे इसको तो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m इज इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर. और इसको फर्दर सॉल्व करें तो अपन m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल कर दे और ये 4m इज इक्वल्स टू 3 व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ m व्हिच इज इक्वल्स टू m इज इक्वल टू 3/4. Hence the slope of the tangent for passing through origin and to this circle is 3/4.